ओके तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। वी होप कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आप घर पे होंगे। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक नए टीजर पे जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है। एंड गेस व्हाट, वो कौन सा टीजर है? मिर्जापुर 2 द मोस्ट अवेटेड, मोस्ट अवेटेड एंड सबसे हिट हुआ था। 2018 में आया था इसका पहला सीरीज और अब ये सेकेंड सीरीज के लिए 1 साल 10 महीने वेट करने पड़े हैं जो कि काफी लंबा वेट है। सो मिर्जापुर के सारे फैंस खुश हो जाओ क्योंकि जैसे कि रिलीज डेट भी आज या कल में आने वाली है कि किस दिन ये रिलीज हो रहा है। बहुत ज्यादा वेट, मोस्ट प्रॉब्ली इन सेप्टेम्बर लास्ट वीक के रिलीज होने वाला है और इसका टीजर आज रिलीज हो चुका है। काफी इंटरेस्टिंग सा है, बाकी हम देखते हैं, एक बार देख के आपको बताते हैं क्या खास है, क्या रहेगा इसमें। मतलब 2020 ना एक गाली की तरह हो गया यार कि इतना मतलब निगेटिविटी। हाँ। तो उसमें कुछ अच्छा आया हमारे लिए तो मैं तो 2020 जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग देखे अच्छा जा रहा है, देखे जा रहा है। आते वीडियो पे उसके बाद बात करेंगे। नए हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट करके हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिएगा। आते सो लेट्स प्ले द वीडियो। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा। वो फिर उधर गनशॉट में दिखाया है, घायल। हमसे सब चीज ईच एंड एवरी कैरेक्टर बहुत परफेक्ट। हमें जिंदा छोड़, बहुत पीक पे छोड़ा है इसको। ये गलती ओ काफी खराबा होने वाला। What's up, friends? 23 23 तारीख। सो जैसे कि आपने अभी वीडियो में देख ही लिया होगा कि मिर्जापुर रिलीज होने वाला है 23rd, जो कि मैं रिवील नहीं कर रहा था, लेकिन अब ट्रे देख के आपको पता चल गया है नेक्स्ट मंथ 23rd को रिलीज होने वाला है। और ये टीजर देख के हमें यही पता चल रहा है कि काफी खून खराबा होने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा कि मिर्जापुर 1 के एंड में मुन्ना भाई ने बहुत ही बुरी तरीके से बबलू को और स्वीटी को मार दिया था। वो क्या सीन था, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। तो उस पॉइंट पे एंड हुआ था सीजन 1। अब वहां से शुरू होगा और मोस्ट प्रॉबली सेकंड सीजन में ये दिखाया जाएगा कि किस तरह गुड्डू बदला लेता है मुन्ना से, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको पता होगा कि कालीन भाई तो है ही, उनका भी काफी इंटरटेनमेंट होने वाला है, इंटरटेनमेंट तो मिलेगा। मुझे पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें डायलॉग थे यार, क्या डायलॉग, मतलब ठंडा करके छोड़ दिया। और ये चचा और डायलॉग तो वाज फेवरेट। चचा से पहले कुछ और था वो बोल नहीं सकते। हाँ, सो काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं। बाकी इस बार के जो ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, टीजर में देखने को मिल रहा है, काफी नए नए किरदार इन्वॉल्व होने वाले हैं। और पहला सीजन बहुत ही हिट था, तो दूसरे सीजन से एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही रहेंगी, काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, 1 साल 10 महीने के वेट के बाद आ रहा है, तो सबर का फल बहुत बड़ा मीठा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी लेके देख गल 23 तारीख को छुट्टी लेते हैं। यस, इसके लिए और फिर अभी सप्लाई करते हैं। हाँ, 23 तारीख को छुट्टी लेके हम इसका रिव्यू पक्का देंगे। हम एक ही बार बैठ के पूरा देखने वाले हैं, मोस्टली सब लोग वही करने वाले हैं। किसी को वेट होता नहीं कि मिर्जापुर चवाए और वो टुकड़ों में देखे, वो 4-5 घंटा एक फ्लो में देखेंगे। टिल देन आप बताइए, इसको देखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये गोली बारूद कितने बरसने वाले हैं और कौन कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं, और आपको क्या लगता है स्टोरी में, क्या कमेंट करके आप बताइए, क्या कोई ट्विस्ट होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताइए कि गुड्डू भाई आप किससे शादी करेंगे। स्वीटी तो गई, नेशन वांट टू नो। और दूसरी बात, बबलू भैया भी गए, तो उनकी होने वाली बीवी और गुड्डू भैया की बीवी गई, उनकी होने वाली बीवी गई। ओह, काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। 23 को हम लोग बताएंगे क्या है इस स्टोरी में। गाइस तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द डीसी बॉयज।